नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा का स्वागत करता हूं आज सभी चैनल मनीषी डिजिटल में। दोस्तों यहां पे काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है कि लिस्टिंग है वो सस्पेंड हो रही है। अब यहां पे काफ़ी लोगों से पूछ रहे हैं सर, लिस्टिंग सस्पेंड होने के बाद में ओपन होती है क्या? मेरे पास ऐसे काफ़ी लोग आते हैं जिनके 20, 25, 50 भी होते हैं और वो लिस्टिंग को खुद से काफ़ी बार ट्राई कर चुके होते हैं, बट लिस्टिंग जो है वो ओपन नहीं हो पाती है। एंड में वो गूगल पर सर्च करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी डाल देते हैं, गूगल टीम से बात भी कर लेते हैं, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भर देते हैं। एंड में गूगल की तरफ से मैसेज आता है, भैया ये लिस्टिंग एलिजिबल नहीं है, वो इस चीज़ के ऊपर काम नहीं कर पाते और लिस्टिंग को डिलीट करके नई लिस्टिंग बना देते हैं और काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, मार्केट में कोई भी लिस्टिंग हो आपके पास में, यहां पे ओपन हो जाती है, 100% लाइव हो जाती है। बट यहां पे दो चीजें आपको ध्यान रखनी है जिसके बाद में आपकी लिस्टिंग सही होना तय है। हम भी यहाँ पे लिस्टिंग को ओपन करके देते हैं 100%, बट ये चीज़ ऐसी नहीं है कि भाई चुटकी बजाई और आज के दिन में लिस्टिंग ओपन हो गई, क्योंकि लिस्टिंग में गूगल की जो पॉलिसी है वो फॉलो करनी है। 100% ओपन जाएगी कि श्योरिटी है, बट पॉलिसी फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। तो पहली बात क्या होती है, लिस्टिंग सस्पेंड होने के बाद में पहली बात ये होती है किस वजह से सस्पेंड हुई है, पहले ये देखना पड़ता है। और अगर आपने खुद ने कुछ चेंजेस किए, नाम में छेड़ा, एड्रेस में छेड़ा, कुछ और चीज़ें अपडेट करी, तो उस वजह से लिस्टिंग सस्पेंड हुई है, तो गूगल क्या करता है, पुराने जो अपने वायलेशन किए होते हैं उनको भी चेक कर लेता है, ठीक है। उस वजह से लिस्टिंग पूरी गायब कर देता है। अब यहां पे पहले जो पूरे वायलेशन और गूगल के गाइडलाइन को हमें पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है कि गूगल की गाइडलाइन के हिसाब से वो सारा डॉक्यूमेंट और सारा डेटा आपने बना रखा वो है या नहीं है, क्योंकि पूरी लिस्टिंग गूगल की गाइडलाइन को फॉलो कर रही है नहीं करी, क्योंकि गूगल की टीम कभी भी आपकी लिस्टिंग में खुद से अपडेट नहीं करेगी, खुद से सही नहीं करेगी, चाहे उसको सामने दिख भी रहा होगा कि इसमें ये दिक्कत है, मगर वो टीम केवल आपकी लिस्टिंग को वहाँ से ओपन करेगी और वो ओपन तब तक नहीं कर पाएगी जब तक कि आपकी लिस्टिंग में वो दिक्कत है वो ठीक ना हो। तो ऐसे केस में पहली प्रोसेस क्या होती है, लिस्टिंग में दिक्कत देखनी पड़ती है, जिसमें आपको गूगल की गाइडलाइन पढ़ने के अलावा ऐसी कुछ बहुत सारी गाइडलाइन होती है जो गूगल के सिस्टम में नहीं लिखी हुई है, जैसे कि मेल का ख़राब हो जाना, आपके डिस्क्रिप्शन में नंबर का होना, आपके पोस्ट का रिजेक्ट हो जाना, ये कुछ ऐसी चीज़ें जो गूगल के सिस्टम में लिखी हुई है, बट वहां पे वो चीजें भी हमें देखनी पड़ती है। वो सब चीजें ठीक करने के बाद में आपका सेकंड प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है, वो है रीस्टेटमेंट का। हम यहां पे रीस्टेटमेंट फॉर्म भरते हैं। अब रीस्टेटमेंट भरने के बाद में क्या होता है, वो लिस्टिंग वहां पर गूगल के पास में जाती है। अब गूगल वाले वहां से क्या आपको रिजल्ट जो देंगे वो गूगल वाले नहीं देते, आपको यहां पे जो भी रिप्लाई मिलता है वो ऑटो जनरेटेड बाय सिस्टम होता है, यानी जो गूगल में आपने रीस्टेटमेंट डाला उनका ऑटोमेटिक सिस्टम उसको चेक करता है कि भाई ये लिस्टिंग है ये एलिजिबल है या नहीं है। तो वहां से आपको रिवर्ट हां में मिल सकता है, ना में मिल सकता है, या नॉट एलिजिबल मिल सकता है। तो आपको फिर भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिक सिस्टम ने रिजल्ट दिया, ना कि गूगल वालों ने दिया, ठीक है, गूगल का किसी बंदे ने नहीं भेजा है उसको। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि यहां पे फिर हम गूगल टीम से बात करते हैं, क्योंकि 3 दिन बीत जाते हैं रजिस्ट्रेशन बनने के बाद में, तो हमें गूगल से बात करनी होती है। गूगल टीम से बात करने के बाद में हमें उनसे कॉन्टेक्ट करने के बाद में हमें उन्हें प्रूफ दिखाने पड़ते हैं, प्रूफ सबको दिखाने पड़ते हैं। तो प्रूफ दिखाने के लिए क्या होता है, पहले जो आपने अगर बात करी है तो अगर कोई केस आईडी जनरेट हो गया तो उसको क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी किसी से बात कर ली है वो केस आईडी जनरेट हो गया तो उसको क्लोज करना बहुत जरूरी होता है, वरना दूसरी टीम काम नहीं करती, ठीक है। तो पहले हमें ये देखना पड़ता है कि भैया गूगल टीम से बात करी, उन्हें प्रूफ दिखाना पड़ता है, प्रूफ में वो दुकान का फोटो, लाइसेंस, जीएसटी वगैरह मांगता है। ऐसे केस में अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती, बिजली के बिल से भी काम हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल से भी काम हो जाता है, आपके पानी के बिल से भी काम हो जाता है। इसके अलावा साइन बोर्ड नहीं है तो भी आपका यहाँ पे बनाया जा सकता है। इसके अलावा मेरे पास कुछ और भी तरीके हैं जिसको फॉलो करने के बाद में आपको इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती और आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाती है। तो अगर आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हो गई है तो मुझे कॉन्टैक्ट करना ना भूले दोस्तों। वीडियो पसंद, लाइक करना ना भूले, साथ ही मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।